उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही की अध्यक्षता में इनेक्सी भवन के सभागार में गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल की मंडली रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कृषि विभाग की तरफ से लगे विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि यहाँ पर रबी गोष्ठी का मंडली आयोजन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्टॉल भी लगाया गया है जिसका निरीक्षण किया गया है, जिसके तहत कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान व खाद्य संस्करण विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं। हमारी सबसे प्रमुख फसल रबी है, इसमें हम लोग 450 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारी प्राथमिकता है कि गेहूं व दलहन को बढ़ाया जाए और किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करना है और उनको समय से पानी मिल सके, इसलिए ये गोष्ठी आयोजित की जाती है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष 356 मीट्रिक टन रबी की फसल को बढ़ाकर किसान भाइयों ने 412 लाख मीट्रिक टन किया है। इस वर्ष 450 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है जिसको हम पूरा करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सांसद रवि किशन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लंबोदरम पंचमं च खष्टं विकटमेवं च सत्वं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नमं भालचंद्रं दशमं तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं सर्वमंगलमांगल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तु। हटिएगा भैया, रुकिएगा रुकिएगा भैया, फोटो नहीं आ पाई, वही मिलने में साथ में मिल जाता है भैया। आप लोग थोड़ा सा सर, हमारा ये अपने प्रोड्यूसर सर, ये सब प्रकार लिखवा हाँ 2017 का नाम लिखे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या बन सकता है, बढ़िया सिलाई कर रहा है सबको एक एक है जी, कैलेंडर भैया इसको थोड़ा सा ये नमस्कार सर, सब गंधा है सर, सतावर है सर, ये सतावर है साहब, उल्टा निकली हुई है जो सर्दी खांसी में दिया जाता है सर बच्चों को, गमले में लगवा लो कोई अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। हां जी सर, कल से हम लोग नहीं है, हम लोग 50 हेक्टेयर में मछली और धान करवाए हैं और 3 सेकंड का बैकार लगवाए हैं। है कैमरा है भाई, कैमरा थोड़ा सा यार सोच रहा हूं, चला नहीं रहा हूं, उस लाइट में लाइट के बारे में टाइम आगे छोटे भैया थोड़ा सा है भाई, मैं रह गया अरे भैया मोबाइल तो पीछे करो यार, किसी को भाई जी थोड़ा सा अब मेरे हम आगे इसी का बटन दबा, हाँ बाहर ताका है, उड़ा था बाहर ताका, आप लोग कैमरा यहाँ से ऊपर पैर सब्सिडी का भैया पीछे तरफ तो ना हट जाओ, चलाऊंगा मैं, हट जा जीवन का, अरे गिरे नहीं तो क्या मजा आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, यह आज रवि उत्पादकता गोष्ठी गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ की यहाँ पर आयोजित है, जिसके भीतर कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग और संबंधित कृषि से जितने भी विभाग हैं उनके यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी हैं। और इस गोष्ठी के माध्यम से राज्य के भीतर क्योंकि हमारी सबसे प्रमुख फसल रबी का सीजन है और इसमें हम लोग लगभग 450 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और इसलिए फोकस करके गेहूँ,
दलहन और तिलहन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से किसान भाइयों की कठिनाइयों का समाधान करना और साथ साथ में इनपुट्स की उपलब्धता, खाद, बीज, पानी उनको समय से मिल सके, इस नाते ये रबी गोष्ठी आयोजित की जाती है। मुझे खुशी है कि विगत वर्षों के भीतर 356 लाख मीट्रिक टन के रबी की फसल को बढ़ा करके किसान भाइयों ने 410-12 लाख मीट्रिक टन किया है और इस साल 450 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा किए जाने के लिए सभी मंडलों में दो दो तीन तीन मंडल मिलाकर के ये गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। इसके भीतर गोरखपुर के भीतर आज ये आयोजन है और वहाँ पर कृषि से संबंधित ये सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर FPO के भी स्टॉल हैं, कृषि विभाग के हैं, हमारी नर्सरी जो उद्यान विभाग की काम कर रही है उसकी है, फिशरीज के भीतर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के भीतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे किसान भाइयों को जानकारी हो सके और अपनी आमदनी को वो दोगुना से भी ज़्यादा, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना कर सके। इस नाते यह इंटीग्रेटेड प्रयास जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जाए।